हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल इन वर्डप्रेस वेबसाइट बाई रैंक मैथ प्लगइन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ प्लगइन के द्वारा गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से आपकी वेबसाइट्स के अंदर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट में सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपीयरेंस के अंदर जाकर के, हेडर सेक्शन के अंदर जाकर के उसमें अपना गूगल सर्च कंसोल का HTML कोड ऐड करते हैं हेडर में, ठीक है, वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो कोडिंग से रिलेटेड नहीं होती हैं, जिसमें आपको वहाँ थीम एडिटर के अंदर आपको वो चीज़ ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपनी वेबसाइट में जा कर के गूगल सर्च कंसोल का जो है अपीयरेंस के हेडर सेक्शन में जा कर के उसको ऐड कर पाएँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी किसी भी SEO प्लगइन्स के अंदर गूगल सर्च कंसोल का जो HTML टैग होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर और देखेंगे किस तरीके से हम गूगल सर्च कंसोल के जो HTML टैग है उसको किसी भी SEO प्लगइन्स के अंदर हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि हम आ चुके हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, ये आपका एक नई ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अगर यहाँ पर चेक करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट है newearningidea.com। ये आपकी वेबसाइट है, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं न्यू वेबसाइट है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के नीच मिलेंगे, जैसे बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या है, वेब स्टोरीज, मार्केट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, साउथ इंडियन फूड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आप जाकर के अपनी किसी भी नीच से रिलेटेड अपने ब्लॉग्स को जान सकते हैं। अपने हेल्थ से रिलेटेड देख सकते हैं, यहाँ पे दवाइयों से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर में जाते थे। थीम एडिटर के अंदर जब हम ओपन हो जाता तो थीम एडिटर के अंदर यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको header.php सेक्शन मिलता था। header.php में यहाँ पे जो ये हेड सेक्शन है, इस हेड सेक्शन के अंदर क्या करते थे आप, पहले यहाँ पे गूगल का जो सर्च कंसोल का HTML टैग होता है उसको ऐड करते थे। लेकिन बहुत सी अगर आप देखेंगे वेबसाइट के अंदर तो ये HTML टैग नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए, क्योंकि ये जो हेडर फाइल होती है, बहुत से आप कस्टमाइज हेडर बनाते हैं तो आपका अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में हेडर में आपको नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी SEO प्लगइन, जैसे आप योस्ट हो सकता है, AI SEO हो सकता है या फिर रैंक मैथ हो सकता है, इनको आप इंस्टॉल कीजिए, प्लगइन को एक्टिवेट कीजिए और फिर उसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्लगइन सेक्शन के अंदर। प्लगइन सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम आ जाते हैं। प्लगइन सेक्शन में आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके रैंक मैथ का SEO का जो सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग नजर आ रहा है, उस पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपके लिए, आपकी मैं एक पूरी नई की नई वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप रैंक मैथ को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक योस्ट SEO की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के आप हमारे योस्ट SEO वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब मास्टर टूल आ रहा है, तो यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। अब इस सेक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल, बिंग, बैडू, Yandex, Pinterest और भी यहाँ पे नॉर्थन से वेब वेरिफिकेशन आईडी मांग रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल की जो आईडी होती है, यानी HTML टैग जो होता है, यहाँ पे जो गूगल HTML का टैग होता है उसको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल में अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप डोमेन और URL प्रीफिक्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कंडीशन आपकी कि URL प्रीफिक्स को आप ऐड करेंगे। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। वेबसाइट का URL डालने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको चार अलग अलग तरीके के कंडीशंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे HTML फाइल आ रहा है, उसके बाद HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, HTML फाइल आप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका cPanel के अंदर ऐड होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML टैग को ओपन करना है। टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे आपका कॉपी सेक्शन आ रहा है, इस कॉपी सेक्शन को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको वापस आएंगे, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल वाले पोजीशन पे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, गूगल सर्च कंसोल का जो हमने HTML टैग कॉपी किया है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। साथ के साथ अगर आपने कोई Pinterest की आईडी, Yandex के ऊपर, Baidu के ऊपर या फिर आपने Bing के ऊपर अपनी आईडी बना रखी है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ Google Search Console को ऐड करेंगे। Google Search Console ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद वापस से हम आते हैं अपने Google Search Console के ऊपर। Google Search Console के ऊपर आने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई हो चुकी है ऑनरशिप। वेरीफाई होने के बाद इसको गो टू प्रॉपर्टी करेंगे। गो टू प्रॉपर्टी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी इसके बारे में चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारा डेटा आपका, यानी इससे पहले भी इसको क्रिएट करा जा चुका है। मैंने इसको पहले से क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको आपको बताने के लिए बताया है कि किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे अगर साइट मैप में आते हैं तो साइट मैप भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ साइट मैप ऐड करने की, तो जैसा कि यहाँ पे रैंक मैथ का जो साइट मैप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है साइट मैप। तो इस साइट मैप को क्या कर सकते हैं आप, इस साइट मैप को आप अपने तरीके से ऐड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो आपका देख सकते हैं आता था, आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल 36 URL से यहाँ पे शो करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ पे आपको तीन अलग तरीके के साइट मैप इसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर मैं बाहर आता हूँ तो बाहर आने के बाद यहाँ पे आपको मैंने तीनों अलग अलग तरीके से आपको साइट मैप ऐड करके दिखाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे साइट मैप ऐड करने की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के आप हमारे गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी जिसको आप देख पाएंगे। आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ें ठीक कर पाएंगे। और साथ के साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या फिर आप हमारे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ भी कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।